हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शीला स्टाइल। सो आज मैं मेरे बालों के ऊपर ट्राई करने वाली हूँ निशा हैना को। तो ये रही मेरी लेंथ बालों की एंड मैं फुल हेयर पे ट्राई करूँगी इस कलर को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कलर पाउडर जो है से निकाल लूँगी अच्छी तरह से पॉट में। तो मैं यहाँ पर क्योंकि मेरे बालों की लेंथ ज़्यादा है तो इसलिए मेरे यहाँ पर दो पैकेट्स लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पर दो पैकेट्स ले रही हूँ। देन अभी मैं इस पाउडर में ऐड कर दूँगी थोड़ी सी वाटर एंड क्वांटिटी पाउडर के अकॉर्डिंग ही चाहिए। कितना पाउडर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वाटर भी चाहिए, मिक्स करना है आपको। तो फिर मैं इसे मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से बीट कर दूंगी। ओके गाइस, चलो अभी अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मैं हैना लगा रही हूँ तो फुल बालों पे लगाऊंगी। कलर होती तो मेंटेन करके लगाती, बट अभी तो फिर मैं यहाँ से छोटी सी एक सेक्शन लेके फिर इसके ऊपर हैना को अप्लाई कर दूंगी। बिल्कुल वैसे ही मैं सारी के सारे बालों पे अप्लाई करूंगी, छोटी छोटी करके सेक्शन निकाल के फिर अप्लाई कर दूंगी। यहाँ पर आप मेरी कलर देखो हाथों की, एंड इसमें पिगमेंट जो है ना कि बहुत ज़्यादा पिगमेंट है, एंड ऐसे लग रहा है किसी की मैं खून करके आई हूँ अभी अभी। यार इसे लगाने के बाद बहुत तेज खुजली हो रही थी। अभी मैं एक चीज दिखाऊं, सो अभी मैं इसे क्लीन कर दूंगी क्योंकि ये पूरा ड्राई हो गई है एंड मैंने इसे बालों पे रखा लाइक 1 आवर तक। तो यस, फिर आप जाके ये सूख गए। तो अब मैं इसे नॉर्मल वाटर से पहले वॉश करूँगी एंड फिर शैम्पू से इसे वॉश कर दूँगी। तो चलो फिर इसे वॉश करने के बाद मैं आपसे बात करती हूँ एंड बालों को भी दिखाती हूँ। हेलो, सो अभी मैं नहा के वापस आ गई एंड बालों को पहले नॉर्मल वाटर से वॉश की, फिर उसके बाद शैम्पू लगाई, फिर से वॉश करने के बाद फिर थोड़ी सी कंडीशनर भी अप्लाई की। तो अभी मैं बालों पे अप्लाई करूँगी ये सीरम जो स्ट्रिक्स की है। तो मैं इसे रेगुलर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं रेगुलर लोरियल यूज़ करती हूँ, बट इसे लगाती हूँ तब जब मैं बालों पे कलर और हेना करती हूँ तब, क्योंकि ये कलर प्रोटेक्टर है, हेयर पॉलिशिंग करती है एंड स्मूथ सॉफ्ट सिल्की तो बनाती है ये सीरम। तो अभी ना जो कलर मैंने जो हेना मैंने अप्लाई की थी, तो बेसिकली मैं निशा को नहीं अप्लाई की कभी भी, आज कर रही हूँ एंड इससे पहले मैं हैना मेरे बालों पे लगाती हूँ तो जो कि मायूरी की है। तो फिर मैंने सोचा निशा की लगाऊँ आज। तो मेरी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि लाइक अभी भी मेरी बाल भीगी हुई है, यू नो अभी भी ड्राई नहीं है, तो अभी भी नहीं पता चलेगी अच्छी तरह से कि कितना ज़्यादा काम की। बट जब मैं लगाई थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा पिगमेंट है इसकी एंड यू नो इसकी जो स्मेल है, हाँ मेहंदी जैसे इसकी स्मेल है, तो फ्रेग्रेंस बेसिकली सब है ना कि स्मेल मेहंदी जैसे ही होती है, तो इसी की भी थी। बट कलर मुझे थोड़ा सा पिगमेंट लगा, अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक है, मयूरी जैसे ही है। तो अभी मैं इसे अप्लाई कर लूँगी मेरे बालों पे। तो सीरम ज़रूर लगाना, ये बहुत ज़रूरी होती है बालों के लिए एंड भीगे वेट हेयर्स में लगाना इसे अच्छी तरह से एंड रूट पे बिल्कुल मत जाना।
जब मेरे बाल टोटली ड्राई हो जाएगी फिर मैं आपसे मिलूंगी एंड फिर आपको मैं बालों की टेक्सचर एंड स्मूथनिंग दिखाऊंगी कि कैसे काम किया, तो मुझे खुद को नहीं मालूम है, तो चलो देखते हैं एंड वेट करते हैं। अभी मैंने दिखा दी आपको कि मेरे बालों की टेक्सचर एंड स्मूथनिंग कितने अच्छी तरह से निखर के आई है एंड बस मुझे यहाँ पर माइनस पॉइंट एक है जो कि मुझे डिसअपॉइंटेड लगा थोड़ी सी। तो जो मेरे बालों पे गोल्डन कलर थी तो फिलहाल गोल्डन कलर छूट गई है एंड ये रेड में ट्रांसफर्ड हो गई है, देख पा रहे हो आप। बट क्योंकि मैंने आपको पहले बता दी थी कि ये जो निशा है ना है इसके पिगमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेरी गोल्डन कलर छुप गई एंड गोल्डन से ये रेड हो गई। बस इतना सा ही दुख है मुझे, अदरवाइज ये अच्छी तरह से काम करती है, लाइक बालों को सॉफ्ट शाइनी एंड स्मूथ बनाती है बहुत ही अच्छी तरह से। तो यही थी मेरी आज की वीडियो एंड अगर आपको इसे ट्राई करना है तो प्लीज़ जाइए एंड ट्राई करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, सिर्फ 10 रुपीज़। तो 10 रुपये में आप इतनी खूबसूरत बाल पा सकते हो, तो वो एंड इसे ज़रूर ट्राई करना।